हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिति को फैन फिक्शन। मैं प्राइवेट बेस्टफ्रेंड का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। शंकु बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो फाइनली आज थोड़ा सा बाहर जा सकता है और अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकता है। और उसके बाद भी तंग उसे अकेला तो नहीं छोड़ने वाला था, और इस वजह से शंकु के साथ तंग भी जा रहा था। पर शंकु को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि तंग अब नॉर्मल बिहेव कर रहा था, तो फिर वो ऐसे भी क्या नहीं करता है। फिर वो लोग जब अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मिलता है, तब जंगू के फ्रेंड जंगू को और तंग को देखकर तुरंत घबरा जाता है, क्योंकि जंगू ने तंग के बारे में उसे बोला था। तब वो जंगू के पास तुरंत आते हुए उसे तुरंत कहते हैं, जंगू बोलो तंग, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत क्या है? तभी जंगू घसते हुए कहते नो। वो तब थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा था, उसे लग रहा था कि मैं उसे सोच दूंगी इधर से, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ ठीक है और मैं उसे एक चांस दिया हूँ कि हम लोग लवर बन सकते हैं। तब जंगू की फ्रेंड ये सुनकर हाँ कह देता है, क्योंकि वो जंगू को सपोर्ट कर रहा था, जंगू की लाइफ उसकी डिसीजन। फिर वो लोग फिर से ग्रुप में आ जाते हैं, जहाँ पर तंग सबके साथ बातें कर रहा था और वो नॉर्मली लग रहा था। तब तंग के एक फ्रेंड तंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे हंसते हुए कहते हैं, तंग मैं सच में तुम्हारे साथ बहुत दिनों से मैं कॉन्टैक्ट करने की ट्राई कर रहा था, तुम एकदम से गायब भी हो गए थे, और जंगकुक भी, तुम टू बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहे थे? तब तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं, शादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे। तब जंगकुक अपने गले को साफ करते हुए कहते हैं, मिस्टर शान, अगर तुम तंग के हाथ को छोड़ दोगे तो फिर मैं ज़्यादा हैप्पी फील करूँगी। तब शान कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखता है और कहते हैं, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को चुरा नहीं ले रही हूँ। तब जंगकुक अपना इसको रोल कर लेता है और कहते, सिर्फ उसके पास से दूर रहो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, जंगकुक क्या जलस फील कर रहा था, और वो तुरंत शान के करीब चला जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तंग क्यों ऐसा कर रहा है। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं, तंग तुम उसके करीब क्यों जा रहे हो? तब तंग कहते, तुम जलस हो। तब जंगकुक अपने कोल वॉइस में कहते, मुझे काम है, जो भी हम क्या सब लोग अब फूड ऑर्डर कर सकता है, मैं बहुत ज़्यादा हंगरी हूँ। और जंगकुक की नज़र अभी भी सिर्फ तंग की तरफ ही था, जो अभी भी शान के करीब था। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो अपने फूड को ऑर्डर करता है, और कुछ मिनट बाद जब फूड आ जाता है, तब जंगकुक सिर्फ अपने फूड की तरफ ध्यान देता है, जबकि सब लोग बातें करने में बिजी था। तब शान कहते, जंगकुक तुम सिर्फ खा ही रहे हो, कुछ बातें तो नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्या खाने के लिए आए हो? तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ घूमने लगा था, वो हर वक्त जंगकुक की तरफ देख रहा था और वो ये समझने की ट्राई कर रहा था, जंगकुक अगर जिलस है तो फिर वो बोल क्यों नहीं रहा है, तंग ये सब कुछ बंद कर सकता है, पर जंगकुक नहीं बोलना चाहता है। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहते हैं, शान तुम अपने काम पर फोकस करो और तंग के साथ बातें करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, और बाकी रही अगर यहाँ पर मैं सिर्फ खाने के लिए हूँ तो फिर ये रेस्टोरेंट ही है, तो फिर मुझे यहाँ पर और क्या करना चाहिए? तुम क्या चाहते हो मैं अब यहाँ पर नाइट स्टैंड करूँ? तब ये सुनकर शान शॉक हो जाता है और कहते हैं, जंगकुक तुम्हारी मूड क्या ठीक है? तुम इस तरह से बातें क्यों कर रही हो, जैसे मैं तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट को छीन लिया हूँ? तब जंगकुक कहते, खाने के टाइम पर मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब तंग इस पर हंसने लगता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और गुस्से से कहते, हंसना बंद करो वरना मैं तुम्हारी उस टीथ को तोड़ दूंगी। तब तंग तुरंत अपने हंसी को बंद कर देता है और जंगकुक को कहता है, ओके मैं समझ गया कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तब जंगकुक कहता है, मैं फिट और फाइन हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चुप करो, मुझे खाने दो। और जंगकुक उसके बाद फिर से अपने फूड पर ध्यान देता है, पर जंगकुक फूड में और भी ज़्यादा स्पाइसी ऐड करने लगता है। तब तंग इसे देख कर शौक था, जंगकुक को रोकना चाहता था, पर जंगकुक तंग की बातों को कहाँ पर सुनने वाला था, और वो फूड में और भी ज़्यादा चिली ऐड करने लगता है। तब इसे देखकर तंग शॉक हो जाता है और जंगकुक जब उसे खा रहा था तब उसके लिप्स बहुत ज़्यादा रेड हो गया था और थोड़े पंपी भी हो गया था। तब इसे देखकर तंग शॉक होने लगता है, जंगकुक इतनी ज़्यादा स्पाइसी फूड कैसे खा रहा है? तब जंगकुक हेवीली ब्रीथ लेने लगा था। तब तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत तंग अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है और कहता है, मैं अभी आ रही हूँ और जंगकुक मेरे साथ चलो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है और तंग के हाथ को फोर्सफुली अपने हाथ से हटा देता है और बहुत ही मुश्किल से कहते हैं, मुझे पकड़ना मत। तब तंग कहते, तुम्हें इतनी ज़्यादा पासी फील हो रहा है पर फिर भी तुम अभी भी यहाँ पर बैठे रहना चाहते हो? तब जंगकुक कहते, चुप रहो तुम,
मैं मेरी फूड को इंजॉय कर रही हूँ। पर तभी तंग जंगकुक को बैटर स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और उसे गुस्से से रेस्टोरेंट से लेकर बाहर जाने लगता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है। उसे ऐसे ही बहुत स्पाइसी फूड खाने की वजह से उसकी हालत खराब था और यहाँ पर तंग फिर से ऐसा कर रहा है और जंगकुक उसके सिर पर बार बार पंच करने लगता है। पर तंग उसे नहीं छोड़ता है और तंग और जंगकुक की फ्रेंड जो कॉन्फ्यूज था, तब जो जंगकुक की फ्रेंड सबको पता था वो हंसते हुए कहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहा है ना। तब तुरंत शांत था वो कहता है क्या वो लोग क्यों स्वीट लगेगा, वो लोग सिर्फ फ्रेंड है। जंगकुक की फ्रेंड तुरंत उसे कहते हैं नो वो लोग एक साथ रहेगा, मैं 100% श्योर हूँ और वो लोग कपल बनने वाला है। तब ये सुनकर शान एक्साइटेड होकर कहता है तो फिर ये बहुत ही अच्छा होगा। तब जंगकुक की फ्रेंड भी हाँ अपने सिर हिलाता है और तंग और जंगकुक जब कार में पहुँचता है तब तंग जल्दबाजी में वाटर की बोतल को जंगकुक को देते हुए कहते हैं पानी पियो। तब जंगकुक हेवीली ब्रीथ लेने लगता है और कहते चुप रहो तुम, मुझे मेरी फूड को फिनिश करना था। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं क्या कहा हूँ। तब जंगकुक पानी की बोतल को ले लेता है पर उसे नहीं पीता है। तब तंग इसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसे पता था अगर जंगकुक को ब्रीथ में प्रॉब्लम होने लगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा बिग प्रॉब्लम हो जाएगा और वह ऐसा नहीं चाहता है। तब तंग जंगकुक को कहता है तुम अगर जिलस फील कर रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को हर्ट करोगे। तब जंगकुक गुस्से से कहता है मैं क्यों जेलस फील करूंगी, मैं क्या तुम्हें लेकर फील रखती हूँ कि मुझे जेलस। तभी तंग जंगकुक को उसकी शर्ट से पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लेता है और उसे अपने वर्ड को पूरा नहीं करने देता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था। तंग जंगकुक की लिप्स को सक करने लगता है और उसकी लिप्स को लिक करने लगता है और स्पेशली उसकी बॉटम लिप्स को बहुत ही अग्रेसिवली और प्यार से तंग सक कर रहा था अपने टंग से और जंगकुक को थोड़ा सा ब्रीथ लेने की भी टाइम दे रहा था और स्लो मोशन में एक स्मूथ किस कर रहा था ताकि जंगकुक की जो पाइस फील हो रहा है वो चले जाए और जंगकुक ठीक ठाक से ब्रीथ भी ले पाए और जंगकुक खुद भी जो सोले सोले था उनकी नेक के अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तब कुछ मिनट बाद जंगकुक को जब ठीक फील होने लगता है तब वो अपने माउथ को ओपन कर देता है। तब तंग जब समझ पाता है जब तंग को इनवाइट कर रहा है तब वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत अपने टंग को जंगकुक के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और किस को और भी ज़्यादा एग्रेसिव बनाते हुए और भी ज़्यादा डीपली एक दूसरे को किस करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग सोले सोले जंगकुक के लिप्स को छोड़ देता है और जंगकुक की तरफ देखता है जो अभी भी हेवीली ब्रीथ ले रहा था पर ये सब कुछ अब सिर्फ किस की वजह से हो रहा था। तब तंग जंगकुक को हंसते हुए कहता है तो फिर बेबी बॉय अब मुझे एक्सेप्ट कर रहा है और तुम जेलस फील कर रहे थे राइट, अब इसे एक्सेप्ट भी करो वरना मैं तुम्हें बेड पर ले जाकर बहुत ही हार्डली पनिश करूंगी। तब जंगकुक पूरी तरह से रेड हो जाता है और अपने स्टमक में वो बटरफ्लाई फील करने लगता है। तब तंग कहते बोलो तुम कर रहे थे ना, या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें बेड पर पनिश करूं। तब ये सुनने के बाद जंगकुक और भी ज़्यादा हार्डली रेड हो जाता है और उस पर करके कहता है मैं कर रहा था। तब तंग हंसने लगता है और कहता आई नो मुझे पता था तुम कर रहे थे पर लायर बेबी बॉय मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और कितनी बार झूठ बोलोगे बोलो और फ्यूचर में मैं झूठ सुनना भी पसंद नहीं करूँगी बिकॉज तुम्हारी हबी को झूठ सुनना पसंद नहीं है अंडरस्टैंड, आगे से झूठ बिल्कुल भी मत कहना। तब जंगकुक सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग कहता है तो फिर आप क्या हम लोग पर्सनल डेट पर जा सकते हैं बिकॉज वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। तब जंगकुक तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और कहते हैं हम लोग आइसक्रीम पार्लर में जा सकते हैं, मेरी स्टमक ऑलरेडी फुल है। तब तंग सोले सोले अपनी नज़र को जंगकुक के फेस से होकर उसकी टमी की तरफ लेकर जाता है जो जंगकुक अपने सॉफ्ट हैंड से रब कर रहा था। तब तंग जंगकुक के टमी की तरफ अपनी नज़र रखते हुए एक स्माइल के साथ कहते हैं मुझे भी तुम्हारी टमी को भरने दो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं पर मैं ऑलरेडी फूड खा लिया हूँ। तब तंग हंसते हुए कहते हैं उस तरह से नहीं, इस तरह से भरने दो कि 9 मंथ तक तुम्हारी टमी और कभी भी कमी ही ना। तब तंग की बातों को सुनकर जंगकुक किस बार रेड हो जाता है और वो समझ पाता है कि तंग किस बारे में बातें कर रहा था और वो तुरंत कहते हैं अब एक शेमलेस बनना बंद करो, चुपचाप चलो वरना मैं इस डेट को कैंसिल कर दूंगी जो तुम मेरे लिए फिक्स कर रहे थे। तब तंग स्माइल करता है और फिर से जंगकुक को खींचते हुए उसके लिप्स पर एक पिक करके फिर से कार्ड टाइप करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक फर्स्ट टाइम की तरह बहुत ज़्यादा तंग के साथ कंफर्टेबल फील कर रहा था, वो लोग जो फ्रेंड था
तब भी वो कंफर्टेबल था, पर ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद था। और जंगकुक और तेहोंग जब आइसक्रीम शॉप में पहुँचते हैं, तब जंगकुक और तेहोंग एक कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है और तेहोंग जंगकुक की हर एक फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम ऑर्डर करता है और खुद की भी। फिर आइसक्रीम शॉप आ जाता है, तब जंगकुक अपने आइसक्रीम को एक हंगरी बेबी की तरह खाने लगता है और तेहोंग सोचने लगता है कि जंगकुक अभी सिर्फ कह रहा था कि वो पूरी तरह से फूल है, पर यहाँ पर अब आइसक्रीम ऐसा कह रहा है जैसे उसे अगर एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में भी छोड़ दिया जाएगा तो फिर जंगकुक अकेला ही सब कुछ फिनिश कर लेगा। फिर तब हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी आइसक्रीम को लेकर कोई भाग नहीं जाएगा, शांति से खाओ। और जंगकुक की तरफ तेहोंग सोले सोले झुकने लगता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब तेहोंग जंगकुक के पास आकर उसके लिप्स के कॉर्नर के पास से अपने थंब से सॉफ्टली आइसक्रीम को पोस लेता है और अपने थंब को अपने माउथ में लेकर उसे लिक करते हुए अपनी डीप आइस के साथ तेहोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक तेहोंग को देख कर शाय फील कर जाता है और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। तब इसे देख कर तेहोंग हंसते हुए कहते हैं, इतनी भी ज़्यादा शाय फील मत करो, अब ये तुम बहुत बार बार देखने वाले हो और फ्यूचर में तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ रहना होगा, तो फिर आप इसकी आदत डाल लो मिस्टर किम। तब ये सुनकर जंगकुक रेड हो जाता है। तब तेहोंग जंगकुक को टीज करने लगता है और कहते, या तो मैं कहूँ मिसेस किम। तब जंगकुक तेहोंग की तरफ तुरंत देखता है और तुरंत कहता है, मैं एक बॉय हूँ, तुम इस तरह से मुझे कैसे कह सकते हो। तब ये सुनकर तेहोंग स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है इसी वजह से मैं फर्स्ट मिस्टर किम ही बोला था, पर तुम जबकि अभी भी मेरी वाइफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें मिसेस किम भी कह सकती हूँ, राइट बेबी बॉय। तब जंगकुक रेड होते हुए कहता है, जो तुम्हारी मर्जी, ऐसे भी ये वर्ड बैड भी नहीं है। तेहोंग ये सुनने के बाद हंसते हुए कहता है, तो फिर अभी से मुझे हाँ भी मानते हो, तो फिर मुझे हाँ भी बोलाओ, मैं सब पसंद करती हूँ। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा रेड होते हुए कहता है, अगर मैं बुलाऊंगी तो फिर तुम क्या करोगे। तब तेहोंग कहता है, जो तुम मुझसे मांगते हो मैं तुम्हें वो हर एक चीज दे सकती हूँ, सिर्फ एक बार मुझे हाँ भी बुलाओ। ये सुनने के बाद जंगकुक थोड़ा सा सोचने लगता है उसे क्या सच में बुलाना चाहिए। फिर जंगकुक शाय फील करते हुए अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ओके हबी। तब तेहोंग कहते, क्या बोले, मैं सुन नहीं पा रही थी, थोड़ा ज़ोर से बोलो। तब जंगकुक तेहोंग की तरफ देखता है और वो सोचते हुए शायद ज़्यादा ही सोली बोल दिया है और वो थोड़ा सा ज़ोर से कहते हैं, ओके हबी। तब तेहोंग फिर से कहते हैं, तुम क्या कह रहे थे, तुम मुझे क्यों नहीं कहते हो कि हबी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, ये बोलने से क्या जाता है, थोड़ा सा और जोर से बोलना। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, तब उसकी बातों को क्यों सुन नहीं पा रहा है, पर फिर भी वो फिर से थोड़ा सा जोर से कहता है, ओके हबी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तब तेहोंग फिर से कहते हैं, जंगकुक तुम इतनी ज़्यादा फूड खाने के बाद भी इतनी ज़्यादा पावर लॉस कैसे कर सकते हो, बोलो, मैं तुम्हारी वॉइस को थोड़ा सा भी सुन नहीं पा रही हूँ, थोड़ा ज़ोर से बोलो जो मैं सुन पाऊँ कि हबी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं सिर्फ मिस्टर किम तेहोंग की हूँ, मैं मिस्टर किम तेहोंग की ओनली वन हस्बैंड हूँ, उसके लिटिल हस्बैंड, उसके बेबी बॉय हूँ, उसके वर्ल्ड हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ऐसा बोल क्यों नहीं पा रही हो तुम, देखो मैं अब सैड हो रही हूँ, तुम्हें मैं लास्ट चांस दे रही हूँ। तब जंगकुक इस बार सैड होते हुए कहता है, मैं नहीं बोलूँगी, तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, तुम्हारी कान में प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब तेहोंग कहते, नो तुम्हें बोलना होगा, प्लीज़ बेबी बॉय बोलो, मैं तुम्हारी बातों को सुनना चाहती हूँ। तब जंगकुक इस बार एक लंबा सांस उठता है और उसे गुस्सा भी आ रहा था और गुस्से से इस बार चिल्ला कर कहते हैं, हबी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरा हो, मैं किम तेहोंग की लिटिल हस्बैंड हूँ, मेरे अलावा उसकी इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है और मैं उसकी वर्ल्ड हूँ, वो मेरा वर्ल्ड है और मैं उसकी लिटिल बेबी बॉय हूँ, अब हैप्पी हो हबी। तब ये सुनकर तेहोंग हंसने लगता है और आस पास जो भी सारा लोग बैठा हुआ था सब लोग जंगकुक की तरफ घूमने लगता है। तब जंगकुक इसे देख कर रेड हो जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तेहोंग तुरंत अपनी सीट से उठकर जंगकुक के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। तब जंगकुक तेहोंग को हक बैक करते हुए कहते, तुम बैड हो, तुम इस तरह से मुझे सबके सामने कैसे बशर्म फील करा सकते हो। तब तेहोंग तुरंत जंगकुक के चिन को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ टर्न करता है। तब जंगकुक तेहोंग की तरफ देखने लगता है। तब तेहोंग बिना किसी के क्यार करे
सबके सामने जंगकुक को डीपली किस में खींच लेता है। तब जंगकुक शॉक था, वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था, पर वो तंग का किसका रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग जब किस को ब्रेक करता है, तब वो स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी चेरी लिप्स का मैं क्या करूँ, इसकी बहुत अच्छा टेस्ट है, मैं सेसमी से बहुत बुरी तरह से मिस कर रहा था। तब जंगकुक ये सुनकर रेड हो जाता है और कहता है, फ्लर्ट करना बंद करो, मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ, और तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम मुझे ये सारे किस देकर मना सकते हो, अब जल्दी से मुझे बहुत सारा पनिश चाहिए। तब ये सुनकर तंग कहता है, कौन से टाइप, बनी टाइप? तब जंगकुक तुरंत कहता है, नो, मुझे बनी नहीं चाहिए, घर में बहुत सारा बनी है, तुम मुझे हार्ट साइज के दे सकते हो। तब तंग ये सुनकर उसके फेस पर स्माइल आ जाता है और कहते हैं, तो फिर बनी और हार्ट शेप की, क्योंकि मुझे बनी पसंद है। तब जंगकुक थोड़ा सा रेड हो जाता है और कहते हैं, क्यों पसंद है? क्योंकि तुम्हारी बनी शेमलेस है और तुम उन लोगों को शेमलेसली देखना पसंद करते हो जब और लोग अपनी प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं, तुम इतने ज़्यादा शेमलेस क्यों हो? तब तंग तुरंत कहते हैं, नो, मैं शेमलेस नहीं हूँ, वो दोनों बनी शेमलेस हैं और उन दोनों की गलती है, मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैं जब भी मेरी वर्क करती हूँ वो लोग ही मेरे सामने आकर स्टार्ट हो जाता है, तो फिर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, वो लोग क्यों आता है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की गलती है, मैं क्या कभी भी बोला हूँ कि मैं उन लोगों को देखना चाहती हूँ पर वो लोग खुद ही आ जाता है, तो फिर तुम ही कहो कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो तब मेरी फेस को टर्न कर लेती हूँ पर वो लोग राउंड लेते लेते फिर से मेरे सामने आ जाता है, तो फिर यहाँ पर मेरी गलती नहीं है। तब जंगकुक तंग की तरफ अपना आईब्रोस रेस करके देखने लगता है और कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो कि बनिस राउंड लेता है, बनिस क्या एक बार में ही ख़त्म नहीं हो जाता है? तब ये सुनकर तंग की फेस पर एक नॉटी स्माइल आ जाता है और कहते हैं, बेबी बॉय ये मेरा बनी है तो फिर ऑब्वियसली मेरी तरह ही होना चाहिए, राइट? तो फिर उन लोगों की वन राउंड में ख़त्म नहीं होता है। और तंग ये कहने के बाद अपने लिप्स को लिख कर लेता है। तब जंगकुक की हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और वो तंग की वेट लिप्स की तरफ देखते हुए ग्लोव करने लगता है और वो कहते हैं, तो फिर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम खुद भी वन राउंड में कभी भी ख़त्म नहीं होते हो, तो फिर तुम कितने ज़्यादा राउंड लेते हो? तब ये सुनकर तंग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो तुरंत हंसते हुए कहता है, जितनी ज़्यादा तुम चाहते हो मैं उतनी ले सकती हूँ। तब जंगकुक तुरंत तंग को कहता है, नो, मुझे जानना है, ये मेरी ऑफकोर्स फ्यूचर है। तब तंग कहते, तो फिर तुम मुझे सच में हाँ भी मान लिया हो दिल से? तब जंगकुक कहते, तुम मुझे जाने दोगे अगर मैं जाना चाहती हूँ? तब तंग तुरंत अपनी कोल्ड डार्क वॉइस में कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तब जंगकुक कहते, तो फिर मुझे बोलो तुम कितनी ज़्यादा राउंड लेते हो, मैं मेरी बैग की हालत को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। तब तंग कहते, ज़्यादा राउंड नहीं, सिर्फ ही करीब 15 राउंड। तब ये सुनकर जंगकुक को मिनी अटैक आ जाता है और वो पूरी तरह से शॉक होकर तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग कहते, इस तरह से क्यों देख रही हो, ये जस मैं कह रहा था कि ये करीब है, ये लॉन्ग नहीं है, बल्कि अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं इससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ अगर ये तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं करता है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहता है, जोक करना बंद करो, ओके, यहाँ पर जोक नहीं चल रहा है, ये कि इंसान इतनी ज़्यादा राउंड नहीं ले सकता है, तुम इंसान हो या फिर रोबोट हो? तब ये सुनकर तंग हंसते हुए कहते हो, तो मैं बेड पर दिखा दूंगी, अगर तुम सच में प्रूफ चाहते हो तो फिर चलो मैं तुम्हें प्रूफ देती हूँ, चलो मेरे घर में चलते हैं, मैं तुम्हें आज ही प्रूफ दूंगी, वो भी अभी, आइसक्रीम को छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारा दूंगी कल। तब ये कहने के बाद ही जंगकुक के हाथ को तंग पकड़ते हुए ले जाना लगता है, पर जंगकुक उसके हाथ को छुटा देता है और तुरंत कहते, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है, मुझे उस लिटिल व्हाइट बनी की तरह खुद को ख़त्म नहीं करना है, मुझे छोड़ दो, मैं देखा था वो लिटिल बनी सिर्फ सोता रहता है, मुझे नहीं जाना। तब ये सुनकर तंग हंसने लगता है और हंसते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक अपनी रोने की हालत में था पर फिर भी तंग जंगकुक को खींचते हुए तुरंत अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है, पर जंगकुक को ले जाने के पहले तंग आइसक्रीम की मनी भी पे कर देता है और जंगकुक को कार में बैठा तो है वो जंगकुक की तरफ देखते हैं। तब जंगकुक डर रहा था और वो पाउट करने लगा था। तब तंग कहता है, तुम्हें कैसे पता कि वो बनी सिर्फ पूरा दिन इस वजह से सोता रहता है, क्योंकि मेरी ब्लैक बनी हमेशा उसे डिस्ट्रॉय करता है। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मुझे पता है इंटीमेट होने के बाद बैक में पेन होता है, तो फिर मैं श्योर हूँ उस बनी के भी पेन होता है,
और तुम जिस तरह से कह रहे थे तो फिर उस लिटिल बनी के साथ क्या होता होगा। बेसारा कितनी ज़्यादा पिन को झेलता है। बेसारा बनी तब तुम ये सुनकर जंगकुक को अपने आईब्रोस रेस्ट करते हुए कहता है, तो फिर तुम चाहते हो मेरी बनी सिर्फ उसके साथ वन राउंड ले और उसे पिन ना हो। तब जंगकुक तुरंत हमें अपने सिर हिलाता है। तब तंग हंसते हुए कहता है, पर मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं क्या उन लोगों की रोमांटिक टाइम में जाकर उन लोगों को ज़बरदस्ती अलग कर दूँ। तब जंगकुक नामे अपने सिर हिलाता है, पर जंगकुक तुरंत कहते हैं, पर मुझे ये बोलो कि वो बनी हमेशा उतनी ज़्यादा लेटा रहता है। मैं मान लिया कि एक दिन होता है, पर वो क्यों एवरीडे वीक रहता है, वो क्या सच में बीमार है। तब तंग स्मार करता है और स्मार करते हुए कहता है, रियली तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बनी मेरी तरह ना बनकर किसी और की तरह बनेगा। ऑब्वियसली वो एवरीडे ही राउंड लेता है और इसी वजह से मेरी लिटिल व्हाइट बनी उसकी हालत ऐसा है, और मैं होप कर रही हूँ घर में टू बनी इसकी हालत ही ऐसा होगा। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, तुम्हारे घर में सिर्फ टू बनीस नहीं है, बहुत सारा है। तब तंग कहते हैं, वो सब लोग तो नॉर्मल है पर टू बनीस मेरे पास स्पेशल है। एक तो ब्लैक जो टॉप पर है, आई नो मैं उसे शोर कर दे रही हूँ, पर मेरी घर में टू बॉटम बनी है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते, तुम्हारी ब्लैक बनी की टू वाइफ है, आई मीन टू हस्बैंड है। तब तंग हंसते हुए कहते हैं, नहीं वो एक बनी सिर्फ जो वाइट है उसे तो तुम जानते ही हो, पर और एक मिल्की वाइट बनी है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, नॉटी भी है और उसके साथ बहुत ज़्यादा सेक्सी भी है, जिसे टाइगर डिस्ट्रॉय करने के लिए वेट कर रहा है। तब ये सुनकर जिनको कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, एक बनी के साथ टाइगर की मीटिंग, तुम क्या मैड हो, उसके बाद उन लोगों की शाल का क्या होगा। तो फिर तुम कहना चाहते हो कि बनी और टाइगर की मीटिंग होगा, तुम एक मैट हो, मैं गलत था, मैं तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी, तुम एक साइको थे और साइको ही रहोगे। तुम उस बेसरा बनी को मानना चाहते हो और उस टाइगर के सामने से छोड़ना चाहते हो। टाइगर कभी भी बनी को अकेला नहीं छोड़ेगा, वो तो उसे खा ही डालेगा। तो फिर मीटिंग की बात तो बहुत ज़्यादा दूर ही पड़े रहे। तब तंग अपने लिप्स को लिख कर लेता है और जंगकुक के करीब जाने लगता है और उसकी तरफ झुक कर उसके कान के पास स्पर्श करते हुए अपने डीप वॉइस में हंसते हुए कहते हैं, बेबी बॉय जो बनी के बारे में मैं बातें कर रही हूँ वो बनी अब यहाँ पर मेरी बातों को सुन रहा है, और जो मैं टाइगर की बातें कर रहा था वो टाइगर उसके कान के पास स्पर्श कर रहा है। तो फिर आई थिंक बनी बॉय मेरी बातों को समझ गया है, कौन टाइगर है और कौन बनी है। अब बनी के चैप्टर को क्लोज करो, बिकॉज मैं और ये बनी बनी और कोई भी गेम्स नहीं खेलना चाहते हूँ। जो भी गेम होगा वो अब बेड पर होगा और ये जल्द ही होगा। सिर्फ वेट करो और देखते रहो कि इस बनी को मैं किस तरह से डिस्ट्रॉय करती हूँ। और तब इसके साथ जंगकुक केयर को लिख कर लेता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है, वो डर भी रहा था और उसके साथ वो अपने स्टमक में बटरफ्लाई भी फील कर रहा था। फिर तंग जंगकुक के पास से दूर हट जाता है और कार ड्राइव करने पर फोकस करते हुए कहता है, तो फिर बेबी बॉय अब ये सारे बातों को चलो छोड़ते हैं और घर में चलते हैं, ऐसे भी मुझे कुछ और भी करना है। और तंग ये कहने के बाद कार को ड्राइव करने लगता है। तब जंगकुक हर वक्त रेड हो गया था और वो अपनी लैप के ऊपर अपने हाथ को रख कर अपनी फिंगर्स से खेल रहा था। तब तंग इसे देखकर जंगकुक की थाइस पर अपने हाथ को लेकर जाता है और उसकी थाई को रफ करते हुए कहता है, डोंट वरी सब कुछ ठीक है, तुम्हें इस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। तब जंगकुक सुले हामिद अपने सिर हिला देता है पर वो तंग की तरफ बिल्कुल भी देखता तक नहीं है। तब तंग इसे देखकर सिर्फ एक लंबा सांस तोड़ता है और वो फिर से रोड की तरफ ध्यान देता है। और जंगकुक अभी भी बहुत ही हार्डली ब्लश कर रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।